हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर आप सभी का आपके और मेरे चैनल फ्लाई विद क्रिश में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप देना चाहते हैं मुझे कोई भी सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज जो है हम बात करेंगे तीन बड़ी खबर के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने शायद इरादा बना लिया है फोल्डेबल फ़ोन की मार्केट में घुसने का, क्योंकि कहा जा रहा है कि एप्पल जो है अगले साल शायद लेके आ जाए एक फोल्डेबल फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने फाइल किया है एक न्यू पेटेंट फॉर अ फोल्डेबल फ़ोन। दोस्तों, ये जो आईफोन होगा उसका डिज़ाइन मोटो रेजर के सिमिलर का होगा। दोस्तों, मोटो रेजर के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप एक बार वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर ये बात सच होती है तो ये होगा एप्पल का फर्स्ट फोल्डेबल फ़ोन। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, सैमसंग, हुआवी और मोटोरोला, ये तीनों ऑलरेडी फोल्डेबल फ़ोन की मार्केट में घुस चुके हैं। अब एप्पल भी जो है इस मार्केट में घुसने की तैयारी जोरों शोरों से कर रहा है विद फ्लेक्सिबल डिस्प्ले। और दोस्तों, डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन जो है वो सिमिलर होगा गैलेक्सी जेड फ्लिप और मोटोरोला का रेजर फोन, वो दोनों भी फोल्डेबल फोन हैं। दोस्तों, ये रिवील किया है US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने, जिसने पब्लिश की है रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि अ पेटेंट हैज बीन फाइल्ड बाय एप्पल, यानी एप्पल ने फाइल किया है एक पेटेंट जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विद फ्लेक्सिबल डिस्प्ले एंड हिंजेस। इसका मतलब दोस्तों, पेटेंट फाइल किया गया है उन फ्लेक्सिबल डिवाइसेस का जो हो सकेंगे फोल्ड और अनफोल्ड यूजिंग हिंज मैकेनिज्म। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि 2021 में कंपनी एक फोल्डेबल आईपैड भी लॉन्च कर सकती है। पर दोस्तों, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर ये बातें सच होती है कि अगर एप्पल जो है जल्द ही अपना फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करता है, जो कि ऑब्वियसली वो करेगा ही आने वाले कुछ सालों में, तो ये बिल्कुल भी चीप नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल सस्ता नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों गैलेक्सी फोल्ड 2 सैमसंग का जो बिक रहा है ऑलरेडी, उसका प्राइस है 1,65,000। तो दोस्तों, एप्पल का जो फोल्डेबल फ़ोन होगा वो या तो इसी रेंज का होगा या इससे महंगा ही होगा, क्योंकि दोस्तों ये होंगे प्रीमियम डिवाइसेस ओनली फॉर सिलेक्टेड यूजर्स। तो हमें बस अब करना होगा वेट एप्पल के एक नए अपडेट का और ये देखने का कि एप्पल कब लॉन्च करता है अपना पहला फोल्डेबल फ़ोन। तो दोस्तों, ये थी खबर एप्पल की तरफ से, और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, दूसरी खबर आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी का नया फ़ोन C3 हो चुका है लॉन्च। दोस्तों, स्टार्टिंग प्राइस इसका रखा गया है 6,999, यानी 7,000 रुपये का फॉर 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज वेरिएंट। साथ ही साथ दोस्तों, इसके टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 7,999, यानी 8,000 रुपये के आसपास, जो कि होगा 4GB रैम और 64GB वेरिएंट के साथ। तो ये आएगा दो कलर में, जो कि होगा फ्रोजन ब्लू और ब्लेजिंग रेड। साथ ही साथ दोस्तों, यूजर्स इसे खरीद पाएंगे फरवरी 14 से 12 बजे के बाद, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद फ्लिपकार्ट और रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सेल के लिए हो जाएगा रेडी। और दोस्तों, जो लोग इसे ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते और ऑफलाइन स्टोर से खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी सेल जो है जल्दी शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें होगा डुअल सिम, और दोस्तों ये होगा पावर्ड बाय 8-कोर मीडियाटेक G70 प्रोसेसर विद अप टू 2GHz। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टोरेज जो है वो एक्सपैंड की जा सकती है अप टू 256GB वाया एक्स्ट्रा माइक्रो SD स्लॉट। दोस्तों, इसमें होगी 6.52 इंच की मैसिव डिस्प्ले, जो कि होगी HD+, और इसमें होगा वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल। दोस्तों, ये आता है एंड्रॉयड 10 के साथ विद डार्क मोड सपोर्ट। दोस्तों, इसमें आता है कमाल का नया फीचर, जो कि है डुअल मोड म्यूजिक शेयर। दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें जो है आप दो लोग एक साथ म्यूजिक सुन सकते हैं वाया 3.5mm जैक और एक ब्लूटूथ के हेडफोन्स के साथ। मतलब एक साथ ही ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी कनेक्ट और म्यूजिक हो जाएगा दो वे में शेयर। तो एक्चुअली में ये कमाल का फीचर है। अगर आपको भी लगता है ये फीचर प्रीमियम फोन्स में भी आना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अब दोस्तों, बात करें इसके कैमरा की, तो कैमरा इसके बैक पे है दो, यानी डुअल कैमरा, जिसमें एक है 12MP का और एक है 2MP का विद रियलमी क्रोमा बूस्ट टेक्नोलॉजी फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट। साथ ही साथ फ्रंट में इसका है सिंगल 5MP का कैमरा फॉर सेल्फी। और दोस्तों, इसमें आती है 5000mAh की दमदार बैटरी और कंपनी क्लेम करती है 30 डे का स्टैंड बाय। मतलब ये बहुत ही बड़ा क्लेम है कंपनी द्वारा, और अगर ये बात सच है, अगर ये क्लेम सच होता है, तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ा फ़ायदा है यूज़र्स के लिए, जिनको बैटरी की हमेशा प्रॉब्लम रहती है और पावर बैंक उनको सेपरेटली लेके घूमना पड़ता है।
और दोस्तों इसमें आपको फिंगरप्रिंट का फीचर नहीं मिलेगा। दोस्तों इसकी बैटरी में आता है कमाल फीचर जिसे कहते हैं रिवर्स चार्जिंग। मतलब इसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी दूसरा फ़ोन चार्ज कर सकते हैं अपने रियलमी C3 को यूज़ करके। मतलब रियलमी C3 की बैटरी जो है उसकी चार्जिंग को आप दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी कमाल का फीचर है इस लो बजट फ़ोन में। दोस्तों ये थी खबर रियलमी की तरफ से। बढ़ते हैं अपनी तीसरी और आखिरी खबर की तरफ। तीसरी खबर आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी का कहना है कि वो जल्द ही लॉन्च करेगा अपना नया फ़ोन रेडमी 9A और साथ ही साथ लॉन्च करेगा एक नया पावर बैंक। दोस्तों रेडमी लॉन्च कर सकता है अपना नया फ़ोन रेडमी 9A ऑन फेब्रवरी 11th। तो इसके बैक पे दिखाया गया है डुअल कैमरा का सेटअप, मतलब इसमें होंगे दो कैमराज। साथ ही साथ इस फ़ोन के हो सकता है लॉन्च रेडमी का पावर बैंक। दोस्तों अभी ये चाइना में लॉन्च नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि चाइना से पहले ये इंडिया में ही लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों ये होगा सक्सेसर रेडमी 8A का जो कुछ महीने पहले इंडिया में लॉन्च हुआ है। दोस्तों फिलहाल इसके अभी एक्स्ट्रा कोई भी फीचर रिलीज़ नहीं हुए हैं और जैसे ही रिलीज़ होंगे मैं एक नई वीडियो में आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए तुरंत। तो ऐसा र्यूमर आया है कि ये रन कर सकता है मीडियाटेक हेलो G70 प्रोसेसर में, जो इसे बना देगा सबसे दमदार फ़ोन अंडर 10,000 रुपीज़। दोस्तों ये आ सकता है मैट फिनिश प्लास्टिक के साथ ही, जैसा आपने रेडमी 8A में देखा है। साथ ही साथ दोस्तों कहा जा रहा है कि इसमें हो सकती है 5000 mAh या उससे ऊपर की बैटरी जो सपोर्ट करेगी फास्ट चार्जिंग को। अब दोस्तों बात करते हैं इसके पावर बैंक की। तो पावर बैंक जो है इसका होने जा रहा है लॉन्च फ़ोन के साथ ही और डिज़ाइन जो है काफ़ी प्रीमियम होने वाला है इस पावर बैंक का। तो इसका पावर बैंक जो है वो सपोर्ट करेगा 27W की फास्ट चार्जिंग और इसमें होगी मैसिव कैपेसिटी। दोस्तों बोथ रेडमी 9A और पावर बैंक जो है वो रिवील किया जाएगा फेब्रवरी 11 को 12 noon, मतलब 12 बजे दोपहर के बाद आप इस फोन का रिवील देख पाएंगे। ये थी तीन बड़ी खबर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको आई हो, पसंद दी हो मैंने आपको थोड़ी सी भी नॉलेज और हुए हो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आपके मन में है कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं हर क्वेरी को करता हूँ वेलकम। और साथ ही साथ मुझे देना चाहते हैं आप कोई भी सुझाव तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अब मैं लूँगा आपसे इजाज़त, मिलूँगा मैं आपसे कल फिर नई बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।